السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري वाहन तमिलानी यफ कहू कौली हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्ज़त के लिए लायक और जेबा है जो सारी कायनात का एक वनह ख मालिक मुरबी और मुंतजम है दरुद्लाम हो अंबिया इक्राम पर खुशूस नबी मुक्रम रतल आलमी इमामबिया मोहम्मद वसलम आरोप और आपके अब आरोप मोहमिर इकर आज इनशा सूर्य की आयत नंबर सात ऐसी क्लास रहेगी अल्लाह रबुल्जत से दुआ है कि इसके अंदर इस वाके इस अजीम शान वाक़े के अंदर जो इबरतें और नसीहतें हैं जो हमारे लिए अल्लाह उसे हमें समझने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की हमें तो आमी अउिल्ला शैत वजीम ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से ए अल्लाह तू हमें शैतान के मकर फरेब से बचा ले की वो तेरे कलाम से तेरे दीन से हमें दूर कर दे बिसमिल्लामान वहीम अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है इस अजीम काम को हम अल्लाह सुबह के नाम से शुरू करें लफ्जी तर्जुमे के ऊपर गौर करें लकद काना लकद अलबत् तहकीक काना है फी यूसा यूसुफ में वा ही और उसके भाइयों में आयातन निशानियाँ सवाल करने वालों के लिए इस जब कालू उन्होंने कहा ला यूसुफ हो बिला शुबा यूसुफ व अखू हो और उसका भाई अहब ज्यादा प्यारे हैं एला अबीना हमारे वालिद को हमारे वालिद को मिन ना हमसे व नहनो हालांकि हम उस बतून एक जत्था है एक जमात है इन न बेशक आबाना वालिद हमारे लफी दलाल मुबीन अलबत्ता खुली हुई वाजे भूल में है अखलू तो कत्ल कर दो यूसुफो यूसुफ को या फेंक दो उसे अर्दन किसी जमीन में यख खाली हो जाएगा लकुम तुम्हारे लिए वजहु चेहरा अभी कुम तुम्हारे वालिद का और तुम हो जाना दी बाद इसके बाद इस जुर्म के बाद कॉमन लोग सालेहीन नेक काला कहा का एक कहने वाले ने मिन हुम उन्हीं में से ला तख ना तुम कत्ल करो यूसुफा यूसुफ को व अलकू हो और डाल दो उसे फी गहराई में अलजुब्बी कुएं की उठा ले जाए उसे बादो कोई काफला इन अगर कुंतुम हो तुम फाइलिन करने वाले अगर तुम कुछ करने वाले हो तो इस तरह करो आए तफसीर की तरफ आयत नंबर सात इसके पहले की आयतों में हमने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब से वाके की शुरुआत हुई इस अजीम शान वाके की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब का जिक्र अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से किया याकूब अलैहिस्सलाम उस ख्वाब से समझ गए कि ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है ये आगे चल के के इस सिलसिले की एक कड़ी होगा मेरे बाद ये नबी बनाया जाने वाला है इसे एक बड़े मनसब से सरफराज किया जाना है यानी ये साहिब अता है और हर साहिब अता पर हसद किया जाता तो आपको खदशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके भाई इसे हसद करें और हसद में आकर के इसको कोई नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि जब साहिब अता को कोई देखता है तो उसके जहन में ये ख्याल आता है कि इसकी इतनी इज्जत क्यों इसका इतना मकाम और मरतबा क्यों और शैतान को मौका मिलता है और वो उसके अंदर वसवसा करता है उसकी आग को भड़काता है और दुश्मनी का बीज पैदा करता है दुश्मनी डलवाता है हसद के जरिए से और फिर यहाँ से एक लंबा सिलसिला बुग्ज और अदावत का नफरतों का और आपस में एक दूसरे से कत ताल्लुक का एक सिलसिला शुरू होता है तो याकूब अली ने इस नेमत को छुपाने के ताल्लुक से यूसुफ अली से कहा आयत नंबर छह के अंदर और इसी तरह तेरा रब तुझे मुमताज मकाम अता करेगा यानी नब का मकाम अता करेगा और तुझे बातों की असल हकीकत समझने से कुछ सिखाएगा तफसर में आता है कि बातों सिखाएगा यानि की सिखाएगा, यानी ख्वाब की ताबीर सिखाएगा और तुझ पर और आल याकूब पर अपनी नेमत पूरी करेगा जिस तरह उसने इससे पहले इसे तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी किया था यानी ये की कड़ी में से एक कड़ी तुम बनने वाले बेशक तेरा रब खूब जानने वाला और बड़ी हमत वाला है तेरा रब खूब जानता है अलीम है कि कौन इस मनसब के लायक है और हकीम उसकी हमत हर चीज में हर काम में हर फैसले में कार फरमा है ये उस अलीम और हकीम रब का फैसला है जो तेरे लिए किया जा चुका है तो इस अजीम नमत को तू अभी छुपा ली यानी ये वक्त नहीं है इस राज को फाश करने का आगे चल करके क्योंकि नबुअत है तो पूरी दुनिया जानेगी लेकिन इस वक्त क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है अभी इस राज को फाश ना किया जाए जब वक्त आएगा तब यह राज सबके सामने आ ही जाएगा ये तदबीर का याकूब अल इस्लाम ने कहा कि ये तदबीर इख्तियार करो और तकदीर तो अल्लाह के इख्तियार में अल्लाह जो चाहेगा जब चाहेगा वैसा फैसला फरमाएगा यानी हमारे हाथ में तदबीर करना है और तकदीर अल्लाह के इख्तियार में आयत नंबर सात जो आज की क्लास है हमारी और अलबत् तहकीक यूसुफ और उसके भाइयों के वाक में साइल के लिए निशानियाँ हैं सवाल करने वालों के लिए निशानिया हैं यानी ये वाक अजीब और गरीब वाक है इसे जरूर बयान किया जाना चाहिए इस निशानी में इबरते और नसीहते हैं ये इबरते और नसीहते लोगों तक पहुँचनी चाहिए अलबत् तहकीक यूसुफ और उसके भाइयों के वाक में साहिल सवाल करने वाले के लिए निशानियाँ हैं इबरते और नसीहते हैं आय नंबर आठ जब उन्होंने आपस में कहा उन्होंने आपस में कहा ये यूसुफ अली इस्लाम के दस भाई हैं, जो नौजवान हैं, बड़े हैं और दो छोटे भाइयों के, के ताल्लुक से ये मशवरा करने के लिए आपस में इकट्ठा हुए यूसुफ अली इस्लाम और बिन यमिन एक मासे हैं, उनके खिलाफ कोई साजिश करने के लिए कोई तदबीर करने के लिए कोई मशवरा करने के लिए ये लोग इकट्ठा एक हुए तो जब उन्होंने आपस में कहा यूसुफ और उसके भाई यानी बिन यमिन तुम्हारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं ये थी असल कि यूसुफ और उसके भाई बिन यमीन तुम्हारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे यानी हमसे ज्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं हमसे ज्यादा इनका मकाम मर्तबा है तो ये हसद की वजह बनी कि याकूब अल इस्लाम हमारे जो वालिद हैं उनकी नजर में हमसे ज्यादा इस बच्चे की हैसियत है हमसे ज्यादा इससे मोहब्बत करते हैं इसका मकाम व हमसे ज्यादा है ये हसद की वजह बनी दूसरी बात यह भी पता चली कि याकूब अली इस्लाम यूसुफ अलीस्म से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे तो बेटे तो सभी हैं इंसाफ का तकाजा तो तक है कि सबसे एक जैसी मोहब्बत होना चाहिए चाहिए तो यहां हमें यह जानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल का इख्तियार किसी के हाथ में नहीं रखा हमारे हाथ में भी हमारे दिल का इख्तियार नहीं है मोहब्बत की वजह भी थी जैसे उम्मे मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमाया कि सभी बीवियों के बीच में अदल और इंसाफ किया जाए लेकिन वही फरमाया कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है कि हर चीज में अदल और इंसाफ कर सको तुम वक्त में कर सकते हो दौलत में कर सकते हो लेकिन हर चीज में नहीं कर सकते जैसे मोहब्बत में तो हम देखते हैं कि नबी करीम सबसे ज्यादा मोहब्बत खदीजा से करते थे क्या वजह थी क्योंकि आपने उस वक्त आपकी सपोर्ट की मदद की अपना जान और माल सब कुछ कुर्बान किया जिस वक्त आपको सख्त आपके दिन को सख्त जरूरत थी हर कोई आपकी तकजीम कर रहा था आपका इनकार कर रहा था आपको झूठा कह रहा था और कई तरह तरह के इल्जाम लगा रहा था उस वक्त खदीजा ने आपके साथ ढाल बनकर के खड़ी रही सब कुछ अपनी दौलत और अपनी शोहरत और अपने माल सबको कुर्बान कर दिया ये मौका नहीं मिला दूसरी अजवाज तो नबी अलैहि वसल्लम को क्योंकि आपके मिशन में खंदा पेशानी से यानी कदम ब कदम आपने साथ दिया इस वजह से आपको हजरत खदीजा से इस कदर मोहब्बत थी कि जब तक आप रहीं नबी मुकरम ने दूसरा निकाह भी नहीं किया फिर उसके बाद दूसरी अजवाज मतहरा में से मशी का रजी से थी। तो दिल का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास यहाँ पर याकूब अलैहि सलाम यूसुफ अलैहि सलाम से सबसे ज्यादा मोहब्बत कर रहे वजह क्या है क्योंकि आप उस ख्वाब से समझ चुके हैं कि ये बच्चा नुबत की निशानी है नुबत की एक कड़ी है मेरे बाद मेरे मिशन को यह संभालने वाला है मेरे बाद मेरी जो फिक्र है उस फिक्र को यह संभालने वाला है अगर हम ये चाहते हैं और देख आप के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा से किस कदर मोहब्बत करते थे और खास तौर से वो वाक्य कि जब कुरान के कारी यानी आलिमों को एक शख्स ने लेकर के गया इस धोखे से कि मैं अपने इलाके में अपने कबीले में इनसे दावत का काम कराऊंगा और ले जा करके उन्हें शहीद कर दिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन हुए इस इस कदर कदर नाराज हुए इस कदर हुए गमगीन और उससे इस कदर नाराज हुए कि आपने एक महीने तक कूते नाजला पढ़ी तो हम ये चाहते हैं कि नबी हमसे मोहब्बत करें हश्र के मैदान में तो हमें आपके मिशन को कबूल करना यूसुफ अस्लाम से इस इस कदर मोहब्बत की याकूब अल इस्लाम की जो वजह थी वो यही वजह थी कि ये मेरे मिशन पे खड़ा होने वाला मेरी फिक्र को ये लेने वाला है तीसरी बात कि यहूदी और नसरानी आलिम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब अच्छी तरह पहचानते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ तक बयान फरमाया कि ये अपने बेटे से भी ज्यादा अच्छे से आपको पहचानते हैं कि आप वक्त के नबी बाप से ज्यादा अच्छे से नहीं कहा क्योंकि एक बेटा बाप को उतना नहीं पहचानता जितना बाप बेटे को पहचानता इस कदर अच्छे से पहचानते थे लेकिन उसके बाद भी इनकार किया वजह क्या थी यही हसद कि नुबत के हकदार तो हम थे नुबत तो बनी इसराइल में आना चाहिए था ये बनी इस्माइल में कैसे चलेगी ये हसद जबकि पहचान रहे जान रहे कि हाँ यही वक्त के नबी है लेकिन हसद में आकर के इस कदर दीवाने हो गए इस कदर अकल को जाया कर दिया खराब कर दिया कि वक्त के नबी की मुखालिफत करने को उतरा यहां पर अपने सगे भाई से बुक्स रख रहे हैं और हसद कर रहे हैं वजह क्या है कि हमारा जो मकान था वो मकान इससे मिल गया ये भूल गए कि मकान दे कौन रहा है मकान दे कौन रहा है पहले से कि हसद किसे कहते हैं। हसद और ये किसी साहबे से जवाल और के आरज़ू करने का नाम है यानी किसी साहेब अता किसी को जो चीज अता की गई है उसके ताल्लुक से ये दिल के अंदर ख्याल रखना कि ये नेमत इसके पास से चली जाए इसे हसद कहते फिर से समझे किसी की कोई चीज को देख करके यानी किसी की, की खूबसूरती को देख करके किसी के शौहर को देख करके या किसी के बच्चे को देख करके या किसी की दौलत को देख करके या किसी के इल्म को देख करके या किसी के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कोई महबूब हो गया है उसको देख करके या किसी की सीट को देख करके किसी के मकाम को देख करके कि ये वक्त के ये सदर बन गए या सेक्रेटरी बन गए तो इस चीज को देख करके दिल में ये ख्याल करना कि इसकी नेमत में जवाल आ जाए इसकी नेमत बर्बाद हो जाए ये चला जाए इसकी सीट जाए इसका मकाम उतर जाए ऐसी आरजू करना इसे हसद कहते ये नेमत नीनी हो या दुनियावी दीनी दुनियावी नेमत हो उस नेमत के जवाल के बारे में सोचना कि ये नेमत इसके पास से चली जाए ये मकाम तो मेरा था मुझे मिल जाए इसको हसद कहते जबकि ये मकाम किसने दिया है सुर आयत नंबर फिफ्टी फोर में अल्ला ने फरमाया क्या वो लोग क्या लोगों से हसद करते हैं क्या वो लोग लोगों से हसद करते हैं इस नेमत पर जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया अल्लाह ने अपने फजल से जो नेमत दिया उस पर हसत करते है यानी अल्लाह की अता पर हसत अल्लाह के फैसले पर हसत अल्लाह की रजा पर हसत यानी अल्लाह की रजा पे ये लोग राजी नहीं अल्लाह ने गलत फैसला कर दिया ना उस बिल्कुल ये इज्जत और जिल्लत का मालिक तो अल्लाह है और जो भी नेमतें हमारे पास हैं या किसी के पास है जिससे हम हसद कर रहे हैं कि उसको बोलना बहुत अच्छा आता है या जो भी उसके पास है है तो तो वो तो अल्लाह ने अता किया है। और हम उस पर नाज कर रहे हैं यानी अल्लाह की अता पर एतराज कितना बड़ा जुर्म है अल्लाह के फैसले पर एतराज यहूदी और नसरानियों ने किया कि नुबत के लायक तो हम थे इन्हें कैसे नुबत दे दी गई हम इसलिए इनकार करते हैं और इन्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं जब ये हट जाएंगे तो नुबत फिर हमारे पास से ये अपनी सोच और अपनी चालाकी को ये समझते हैं कि हम इससे कामयाब हो जाएंगे हसद के तालुक से एक जो इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत की है। अनस रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरे से बुक्स न रखो बुक्स यानी बुराई किसी की ना बाहम हसद करो ना आपस में हसद करो ना एक दूसरे को पीठ दिखाओ ना आपस में ताल्लुकात मुनता करो क्योंकि ये सारी बीमारियां एक के बाद एक आना शुरू हो एक दूसरे से बुक्स पहले पैदा होता है हसद पैदा होता है फिर और एक दूसरे को पीठ दिखाना यानी एक दूसरे से अलग होकर के चलना ना आपस में ताल्लुकात को मुनقطع करो अब ये बड़ी चीज होना धीरे-धीरे करके और ये बुराई किस कदर बढ़ गई कि अब मुनقطع हो गए ताल्लुकात टूट गए अब इस्तेमाईयत खत्म हो गई यूनिटी खत्म हो गई और अल्लाह के बंदे भाई भाई, भाई बन जाओ रसूल अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के बंदे भाई, भाई भाई बन जाओ किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने किसी मुसलमान भाई से तीन दिन से ज्यादा बोल चाल छोड़ दे बुखारी शरीफ हदीस नंबर सिक्स जीरो छह हजार पैंसठ और मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर टू डबल फाइव नाइन टू डबल फाइव नाइन और इस तरह बहुत सी हदीसें हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से रोका है अपनी उम्मत को तो हजरत की वजह क्या बनी आया नंबर आठ देखे जब उन्होंने आपस में कहा यूसुफ और उसका भाई बिन तो हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारे हैं हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं अब वो अपने तौर पर वजह भी बयान कर रहे हैं कि हम ताकतवर जवान हैं एक बड़ी तादाद है हमारी अकल का तकाजा तो यही है कि नौजवानों से मोहब्बत की जाए क्योंकि वो इनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे इनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे तो मोहब्बत और शफकत तो हमसे होना चाहिए हमारा दर्जा ज्यादा होना चाहिए बात भी समझ में आती है कि ये छोटे छोटे से दो बच्चे हैं यूसुफ अलीस्लम और बिनियमिन जो खुद मोहताज है जो खुद जरूरतमंद है और जो याकूब अलीस्लम की सपोर्ट कर सकते थे इनके लिए अपना जान और माल लगा सकते थे उनसे मोहब्बत कम है और इस बच्चे से ज्यादा ये तो अकल के खिलाफ बात है ये आपस में वो लोग मशुरा कर तो हालांकि हम ताकतवर जमात बेशक हमारा बाप अलबत्ता वाजे गलती पर है इन्ना आबाना दलाल दलालोन खुली गुमराहि में गलती पर है ये आपस में बैठ करके इन लोगों ने मशवरा किया कि हम इस बात के हकदार हैं और ये ये वजह है हमारी मोहब्बत की कि हमारा मकाम ऊंचा होना चाहिए यहाँ पर हम अपने आप को साथ में लेते हुए चले तभी हम इससे इबरात हासिल कर सके क्योंकि हमारे साथ भी कोई ना कोई ऐसा है जो हमारा कॉम्पिटिटर बना हुआ है जिससे हमारे दिल के अंदर कुछ ना कुछ हसद है कि इसका मकाम गिरेगा नहीं तब तक मैं उसके मकाम पर आ नहीं सकता जबकि वो मेरा मकाम है वो किसी सीट का मामला हो सदारत का मामला हो या घर के अंदर की इज्जत का या स्कूल के अंदर अगर हम हैं तो वहां की इज्जत का किसी क्लास में हम तो वहां की इज्जत का कोई इदारा है हमारा तो वो इदारे को खत्म हो जाना चाहिए जब तो मेरा मकाम आएगा तो ये सब मशवरा ये लोग कर रहे हैं अब देखिए हसद में इंसान किस कदर आगे जाता है किस कदर तबाही तक जाता है और उसकी उस हसद की आग में वो किस तरीके से झुलसता है जलता है वो कहते हैं आयत नंबर दस तुम यूसुफ को कत्ल कर दो अल्लाह अपने भाई के लिए इस कदर साजिश कि तुम उसे कत्ल करो या उसे किसी जमीन में फेंक दो आपस में मशुरा चल रहा है कि अब एक ही रास्ता है इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा यानी इसे इसके मकाम से हटाना है अगर तो यही एक रास्ता समझ में आ रहा है कि इसे कत्ल कर दो या इसको किसी जमीन में ले जाकर के फेंक दो क्यों ऐसा कि तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा जब ये अपने मकाम से हट जाएगा तो फिर उस सीट का हकदार सिर्फ हम ही बचेंगे क्योंकि जब ये चला जाएगा तो वह हमारे बाप है और हमसे मोहब्बत करने लगे वो मोहब्बत का मकाम वो अहमियत वो दर्जा हमें मिल जाएगा यही हमारी भी सोच हो अल्लाह हम सबको महफूज रखे कि उसकी जिसकी इज्जत हो रही है वो अगर मकाम से हट गया तो फिर सदारत के लायक में ही बसता हूँ फिर घर में ऊंचे मकाम के लायक में ही बसता हूँ स्कूल में ऊंचे मकाम के लायक में ही बसता उसका इदारा अगर खत्म हो गया तो फिर मेरा ही इदारा पूरे शहर में बचेगा ये सोच ये हमारी सोच लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के अख्तियार में कामयाबी और नाकामयाबी अल्लाह और अख्तियार में हासद ये चीज़ भूल गया हसद करने वाला ये चीज भूल गया की मेरे इख्तियार में कुछ नहीं सब कुछ अल्लाह के इख्तियार और ये खुद ऐसी तदबीर करने लगा और अब वो क्या करता है हम लोग आपस में ये तो नहीं करते हैं कि कत्ल कर दो इतनी बड़ी साजिश तो नहीं कर पा रहे लेकिन इतनी साजिश जरूर करते हैं कि इसका मकाम इतना हो रहा है लोगों के बीच में चलो इसकी हकीकत बताते हैं कि इसने पिछले जमाने में ये किया था ये तो इतना बड़ा झूठा है या इतना बड़ा इसने फरेब किया था या इतना बड़ा इसने गुना का काम किया था तो अब उसकी बुराइयां करना यानी जिसको होते हैं चुगली गिबत करना चुगली नहीं गिबत अब हसद में आकर के उसकी गिबत करना है कि वो सदर बनना चाहता है उसके घर का तो ये मामला है उसकी बेटी का ये मामला बीवी का ये मामला उसका ये मामला उसका तो ये कारोबार था अब उसने तोहबा कर लिया है और अपने आप को पारसा समझ रहा है नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही वगैरह वगैरह ये सारी बातें लेकर के लोगों के बीच में अब उसने करना शुरू कर दिया क्यों करना शुरू कर दिया क्योंकि अगर इसकी पोल खुल गई इसके बारे में लोगों को पता चल गया तो लोगों की नजरों से ये उतर जाएगा और फिर मैं लोगों की नजरों में आ जाऊंगा ये सोच तो पहले क्या आया हसद आई अब उसके बाद गिबतें और फिर इल्जाम तराशियां अब जब देखा कि गिबत से बात नहीं बन रही तो अब इल्जाम तराशियां शुरू कर दी झूठे वाकयात तो उसके लिए गढ़ना शुरू कर दिया झूठी बातें उसके लिए बनाना शुरू कर अब ये जुर्म पे जुर्म और गुना पे गुना लादते चला जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि मैं उस मकाम का हकदार हूं मुझे बनना है और फिर अपने तरीके से खुद सोचते भी हैं कि इस सीट के लायक तो मैं ही क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छा बोलना आता है मैं ज्यादा पुराना हूं या जो भी चीज़ जो भी हमारे जहनों के अंदर है मैं ज्यादा खूबसूरत हूं मैं ज्यादा बड़ी खानदान का हूं मैं ज्यादा पैसे वाला हूं जो भी चीजें जहन में आ रही जैसे इनके जहन में आई थी कि हम ताकतवर नौजवान हैं इसलिए इस इस चीज के हकदार हम यहूदी और नसरानियों के जहन में क्या बात आई थी कि हम बनी इसराइल है इसराइल के बेटे हैं याकूब के बेटे हैं इसलिए हकदार हम हैं नुबत के और रसालत के हकदार तो हम हैं हमारी खानदान में हमारी नस्ल में नुबत चली आई है तो हम ही हकदार थे मोहम्मद रसूल अल्लाह कैसे बन गए नहीं मानेंगे इस वजह से वसल्लम तो ये जो सोच है ये कहाँ तक सच है कि हम ऐसा करेंगे तो वो मकाम हमको मिल जाए जो आगे आप देखेंगे कि ये किस तरीके से जलील पे जलील होते चले गए तबाही पे तबाही इनका मुकद्दर बनते चली गई जो मकाम इनका था वो मकाम भी इनसे छिन गया यानी यूसुफ के बाद याकूब अलैहि सलाम इन बच्चों से जो मोहब्बत करते थे वो मोहब्बत में भी दरार पैदा हो उसके अंदर भी खटास पैदा हो गई जो मकाम इनका था वो भी गिर गया हम जान ले अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमा दिया अल्लाह के यहाँ बात बदली नहीं जाती अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक्य के जरिए से पूरी हकीकत हमारे सामने ला करके रख दी कि अगर तुमने ऐसा किए तो जान लो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा तुम कोई स्पेशल लोग नहीं हो ये भी वक्त के नबी के बेटे थे इतना करीबी ताल्लुक था इका नबी से और नबी ही नहीं इनके बाप दादा परदादा सब नबी और इतने ऊंचे घराने से थे लेकिन इस बीमारी में आकर के और इस हसत की बीमारी में आकर के इन्होंने जो गुमान किया था कि हम मकाम और मरतबा ले लेंगे अल्लाह रब ने उस मकाम और मरतबे से भी गिरा दिया तो आप और मैं हमारे अंदर भी अगर ये बीमारी आ गई तो अल्लाह रब्जत जो मकाम है उस मकाम से भी नीचे उतारने पर अल्लाह हम सबको महफूज रखे सिर्फ एक बात हम जहन में रख लें कि यह मेरे रब का फैसला है कि अल्लाह ने उसे ऊंचा उठाया तो इनशाला बीमारी नहीं आएगी इनशाला और अगर आ गई है तो उसके लिए दुआ करें तीन चीज करें अगर हम किसी से हसद करने लगे तो क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले दुआ करें जिससे हसद है या जिससे बातचीत बंद है जिससे नफरत पैदा हो गई है जिसकी गलती को माफ नहीं कर पा रहे हैं कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया आप उसको माफ नहीं कर पा रहे तो क्या करें ये सारी चीजें बुराइयां हैं तो हम उसके लिए दुआ करें दूसरा काम मजलिस में उसकी तारीफ करें बहुत सख्त बहुत मुश्किल काम है लेकिन यही काम आपके दिल से इस कीने को इस नफरत को इस हसद को निकालेगा जब अकेले में उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह अल्लाहत दिल को पलटेगा दूसरा ये दिल की बीमारी को अल्लाह दूर करे दूसरा कि उसकी मजलिस में उसकी तारीफ करें तीसरा एक और है मैं उसको अभी भूल रहा हूं चले आगे चलते कि तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाएगा और उसके बाद तुम नेक लोगों में बन जाना अल्लाह यही चीज यहां तक देखें कि जो उन्होंने यहाँ पे हमें पता चला कि हासिदीन की सोच ये होती है कि रास्ता इसी तरीके से साफ होगा और हमें वो मकाम मिलेगा दूसरा भाई के लिए साजिश कर रहे हैं तीसरा हसद इंसान की अकल को किस तरीके से जाया कर देता पढ़े लिखे लोग हैं इतने ऊंचे घराने के लोग हैं बेटे हैं आलिन नबी के लेकिन ये बीमारी इंसान को इस तरीके से इसके जहन को खाली कर एक संगीन साजिश कर रहे हैं संगीन साजिश क्या कर रहे कथा रहमी का मशवरा कर रहे हैं रहन के रिश्ते कता करने का तोड़ने का बूढ़े बाप की नाफरमानी का की साजिश कर रहे जो वक्त के नबी है उनके खिलाफ साजिश बाप भी है छोटे मासूम और बेगुनाह बच्चे के के ऊपर जुल्म की साजिश कर बेगुनाह छोटा बच्चा उसे कत्ल करने की साजिश और इतने बड़े जुर्म के पीछे क्या चीज है और इसके बाद तुम नेक लोगों में बच जाना यानी इसे पता है कि ये जुर्म का काम है गुना कर गुना का ये काम कर लो और फिर नेक भी लोगों बन कि एक बार ये गुना कर लो बहुत दिल चाह रहा है गीबत करे, पेट नहीं भरेगा। या खाना हजम नहीं होगा या कोई भी दूसरी अल्लाह की नाफरमानी कोई भी गुना एक बार ये गुना कर लेते हैं उसके बाद फिर तोबा कर लेंगे अल्लाह तो गफुर हो रही अल्लाह तो माफ कर देगा क्या अल्लाह की रहमत से मायूस हो गए अल्लाह तो तौबा को पसंद करता है अगर गुना करने वाले ना होते ये सारी चीजें शैतान हमको पूरी प्लानिंग लेकर के आता है कुरान और हदीस से समझाता है हमको शैतान क्या अल्लाह तो रहमान है क्या तू तो उसकी रहमत से मायूस हो गया है क्या अगर गुनाह करने वाले ना होते तो अल्लाह रब इस कौम को खत्म कर देता और ऐसी कौम को लेकर के आता जो गुनाह करते और तौबा करते अल्लाह तो तौबा करने वालों को पसंद करता है खुश होता है ये सारी हदीसें और कुरान की आयतें हमको शैतान समझा रहा है कि एक बार ये कर ले थोड़ी देर की बात है फिर उसके बाद तोबा कर ले नेक लोगों में हो जाएंगे क्या ऐसी हुआ अभी वाक्य को हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी इस साजिश के बाद इनके ऊपर जो मुसीबतें आना शुरू हुई हैं तोबा तो कर रहे होंगे क्योंकि पहले से प्लान था कि तोबा कर लेंगे लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर जो मुसीबतें आना शुरू हुई हैं ऐसी कहत साली में मुलविस हो गए कि भीख मांगने के लिए गए थे यूसुफ अल्लास्लाम के पास और एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार अल्लाह रब इनको जलील करके वहां पहुंचा बाप की नजर से अलग उतर गए जो मकाम की चाहत थी वो मकाम हमेशा के लिए चला गया एक बड़े जुर्म ने जुर्म इनके ऊपर सर पे आकर के बैठ तो हम ये ख्याल ना करें कि हम तोबा कर लेंगे अल्लाह रब्जत तोबा को कबूल करे ना करे इस चीज का तो डर हमें होना चाहिए या इस चीज का तो डर होना चाहिए कि पता नहीं तोफीक मिलेगी या नहीं मिलेगी या इस चीज का तो डर होना चाहिए कि हमारे और हमारे तोबा के बीच में कोई चीज हायल ना हो जाए इस चीज का तो डर होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें वक्त ही ना मिल पाए तोबा करने तो इन्होंने ये साजिश की कि अब उसके बाद हम तोबा कर इनमें से एक कहने वाले ने कहा इसका नाम मुफसरीन फरमाते हैं कि या तो यहूदा है या रूबिल है तो बहरहाल जो भी है ये बड़े में से था तो इनमें से एक कहने वाले ने कहा यानी इन दस भाइयों में से तुम यूसुफ को कत्ल न करो और तुम उसे कुएं में कुएं के तह यानी किनारे में डाल दो कुएं के तह में उसको डाल दो कुएं के अंदर फेंक दो कि उसे कोई मुसाफिर उठा ले जाए अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो यही करो यानी कत्ल मत करो इसको किसी कुएं में डाल दो और जब वहां से कोई काफिला गुजरेगा उस कुएं से पानी निकालेगा इस बच्चे को देख लेगा देख लेगा तो वो इसे लेकर बेचने का मामला था या सिस्टम था तो ये उसे लेकर के चले जाएंगे खुशी खुशी और कहीं ले जाकर के बेच देंगे हमारा तो मकसद यही है ना कि ये रास्ते से हट जाए ये रास्ते से हट जाएगा पूरा ध्यान जो है वो हमारे ऊपर हमारे वालिद का तो याकूब अल्हीस्लाम का हमारे ऊपर पूरा पूरा आ जाए जब ये मशरा हुआ तो सब लोग इस राय पर मुतफिक हो गए कि हाँ ऐसी करते हैं इसका कत्ल नहीं करते हैं इसको कुएं में ले जा करके डाल देते हैं और कोई काफिला आकर के इसको लेकर चला जाए लेकिन सवाल ये था कि बाप से अब किस तरीके से इसको लिया जाए क्योंकि बाप तो साया बन करके इसके ऊपर है तो ये किस तरीके से वालिद से जा करके बात करते हैं और बात करने के अंदाज से अल्लाह रबुल्जत हमें यहाँ समझा रहा है कि जो लोग गलत होते हैं उनके बात करने का अंदाज कैसा और ये इसके पहले भी हम आयतों में देख करके आ चुके जब काफिर आते थे तो उनके बात करने का अंदाज कैसा होता था उनके कैसे सवाल होते हैं और मुनाफिक आते हैं तो उनके कैसे सवाल होते हैं उनकी कैसी बात होती यानी इंसान को पहचानने की तमीज अल्लाह सब तला सिखा रहा है अपने कलाम के जरिए कि मुनाफिक आपसे ये कहते हैं यानी ऐसा कहने वाला मुनाफिक करने वाले आपसे इस तरीके से बात करते हैं और यहां पे देखें साजिश करने वाले किस तरीके से बात करते हैं अल्लाह इज्जत ने लफ्ज टू तो लव्ज यहाँ पर बयान था उन्होंने कहा यानी अपने वालिद के पास के पास आकर ये दसों भाई आकर के कहते हैं या यूसुफ अल्लाम के उन्होंने कहा ए हमारे अब्बाजान आपको क्या है कि आप हम पर यूसुफ के बाबत एतबार नहीं करते जैसे लोग कहते हैं ना तुम तो हम पर यकीन करोगे ही नहीं हम तो गलत है ना क्या करोगे हम पर यकीन करके इस तरीके के अल्फाज होते जो वाकई गलत होता है वो अपनी सफाई पेश कर जैसे उन्होंने कहा हालांकि यकीनन हम इसके खैर खुआ है ये जता रहे कि हम खैर ख्वाह है और सच्चा इंसान जताता नहीं झूठा इंसान जताएगा, कि मुझे इतनी मोहब्बत है तारे तोड़ करके लाऊंगा फला करूँगा जताए गए तो उन्होंने कहा हमारे अब्बाजान आपको क्या है कि आप हम पर यूसुफ के बाबत एतबार नहीं करते हालांकि यकीन हम इसके खैर ख्वाह है हम इसके बहुत खैर ख्वाई करने वाले आप कल इसे हमारे साथ भेज दें कि जब फल खाएं यानी मेवे वगैरह खाएं और खेले कूदे और हम यकिन इसके मुहाफिज हैं हम बार बार कह रहे हैं कि हम इसके मुहाफिज हम इसका बहुत ख्याल रखने वाले हैं। हम इससे बड़ी मोहब्बत है हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ पिकनिक में जाए वहां पर हम लोग मेवे फ्रूट्स वगैरह खाएंगे वहां पे हम खेलेंगे और अच्छी तरीके से इंजॉय करके हम लौटेंगे हमारे साथ जाने दीजिए इनकी इस बात को सुन करके वक्त के नबी है याकूब अल इस्लाम कहते हैं आयत नंबर तेरह और चौदह इस याकूब ने कहा देखिए इससे ये भी पता चल रहा है कि नबी को भी गैब का इल्म नहीं है दिल के अंदर क्या चल रहा है इसका पता नहीं ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुबहान तला किसके किस दिल के अंदर क्या है क्या प्लानिंग चल रही है ये अल्लाह सुबहान ताला जानता है लेकिन याकूब अली स्लाम को क्योंकि यूसुफ अली स्लाम से इस कदर मोहब्बत बेपना मोहब्बत की नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहते इस याकूब ने कहा बेशक मुझे तो ये बात गमगीन किए रहती है कि तुम उसे ले जाओ यह है बेपना मोहब्बत की थोड़ी देर के लिए भी मैं गमकीन हो जाऊंगा यूसुफ मेरे सामने नहीं होगा छोटा बच्चा भी है और सबसे असल बात क्या है कि ये उस मिशन को उठाने वाला है उस फिक्र को लेने वाला है जो फिक्र लेकर अम्बिया जीते अल्लाह हम सब के अंदर ये फिक्र दाखिल कर दे ताकि नेक लोग भी हमसे मोहब्बत करे नेक लोग भी मोहब्बत इसी वजह से करे किसी नेक शख्स से मोहब्बत क्यों हो सकती है हमें कैसे हो सकती है जब हम भी उस मिशन पर हो बहरहाल जिसमानी हुन और जमाल के साथ साथ रूहानी कमाल भी यानी नुब के आसार भी याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम में देख रहे थे तो इसलिए आप कहते हैं इस याकूब ने कहा कि बेशक मुझे तो ये बात गमगीन किए देती है कि तुम उसे ले जाओ और मुझे खौफ आता है कि उसे भेड़िया खा जाए और तुम उससे गाफिल हो जैसी उन्होंने कहा इस बात को उन्होंने संभाल लिया कि अच्छा भेड़िया खा जाए उनको एक आइडिया आ गया कि हाँ अपन ऐसी करें उन्होंने कहा अगर इसे भेड़िया खा जाए तो इस बात को भी वो लोग समझाते हैं अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को कि आप ने कैसी बात कह दी हम होते हुए इसे भेड़िया लेकर के चले जाएगा ये कैसे हो सकता है इस अंदाज में कहा उन्होंने कहा अगर इसे भेड़िया खा जाए जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं तो बिलाशुबह हम तो तब खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे यानी हमारे पर लानत है कि हम ऐसे नौजवान होने के बावजूद इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद एक छोटा से भाई को हमारे बीच में से भेड़िया लेकर के चले जाए लानत है हमारी जिंदगी ऐसे कैसे हो सकता है तो याकूब अल इस्लाम इनके कन्विंस करने से इनके समझाने से बात मान ले तो बच्चों की जिद पर याकूब अल इस्लाम राजी हो कई बार बच्चों की गलत जिद पर हम लोग राजी हो जाते यहाँ पर यह भी एक नुकता मिलता है ये भी एक नसीहत मिलती है कि बच्चों की गलत जिद पर हमें राजी नहीं होना चाहिए लेकिन अक्सर बेशर ऐसा होता है कि उनकी जिद के सामने माँ बाप क्योंकि मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत की बिना पर वो राजी हो जाए राजी हो गए और याकूब अल इस्लाम को लेकर ये लोग निकले पूरी साजिश जहन के अंदर है और लेकर के इस अंदाज से निकल रहे हैं आयत नंबर पंद्रह फिर जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे कुएं के तह में डाल देंगे जब ये लेकर के जाने लगे और याकूब अल इस्लाम ने अपने से यूसुफ अल इस्लाम को जब जुदा किया तो उन्हें अपने गले से लगाया माथे को चुमा और उनकी विदाई को हसरत की नजरों से देख रहे जैसी बाप की नजरों से यूसुफ अल इस्लाम उछल हुए तो भाइयों ने उनको धक्के देना गालियाँ देना मारना शुरू कर दिया जब वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भाई के पास मदद की उम्मीद से पहुँचते तो वो भी उन्हें चेहरे पे तमाचा मारता और वो धक्के खाते हुए दूसरे के पास जाते रहम की उम्मीद में कि ये भाई मुझ पर कर देगा। लेकिन वो भी उनको मारता और फिर वो तीसरे के पास जाते इस तरीके से मारते पीटते हुए और गालियां देते हुए कि बहुत बड़ा मकाम पे आ गया था तू बहुत चाहता हो गया था बाप का और बहुत अपना इस तरीके के अल्फाज और इस तरीके की बुरी बातें कहते हुए मारते हुए उस मासूम बच्चे को लेकर के ये लोग पहुंच रहे हैं देखिए हसद इंसान को किस कदर बुराई के अंदर किस कदर जिल्लत के अंदर पहुंचा देता है किस तरह उसकी सोच और समझ को खत्म कर देता है किस कदर जलील कर देता है फिर जब वो उसे लेकर गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे कुएं के तय में डाल देंगे तब हमने यूसुफ के तरह वही भेजा अल्लाह भी तो है अल्लाह क्या फरमाता है कि क्या मैं अपने बंदे के लिए काफी नहीं दूसरे के फरमाया वला तहन वला हजन तुम डरो नहीं तुम घबराओ नहीं सरबलंद रहोग बस तुम मोमिन बन जाओ इनकुन तुम मोमिन अगर तुम मोमिन हो एक और मकाम पे फरमाता है मेरे बंदे पर मेरा ही जोर चलता है तकदीर भी अल्लाह के अख्तियार में है और बंदा भी अल्लाह इज्जत के अख्तियार ये तो एक हादसा है ये तो एक आजमाइश है जो नबी के साथ हो रही है ये तो एक तदबीर है ये तो अल्लाह इज्जत की एक हिकमत है कि इस शहर से अगर इस बच्चे को नहीं निकाला गया तो ये मिस्र की बादशाहत कैसे करेगी यहां पर यह रहेगा तो इन्हीं के हसद के बीच में घूमता रहेगा इन्हीं की चालबाजियों में और इन्हीं की परेशानी में उलझ करके रह जाएगा इसे निकालना होगा इसे निकाल कर एक बड़े देश में पहुंचाना है और वहां की सल्तनत सिखाना है और वहां पे इसे ऊंचा मकाम देना है इसे ऐसे ही याकूब तो छोड़ेगा नहीं याकूब से इसे छुड़ाना है तो कुछ तो तदबीर होगी तो अल्लाह रब्जत के फैसले में कोई ना कोई हिकमत हुआ करती अल्लाह ने कोई हादसा लिखा है हमारे पीछे तो उसके पीछे अल्लाह की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कोई बहुत बड़ी हमत बस हम उस पर राजी हो जाए उस वक्त हम सब्र करें उस वक्त हम सब्र कर बस ये सोच करके कि हमारे रब का ये फैसला है उसके फैसले के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आ गया कि नहीं इसको कुएं में डाल देंगे जबकि तय तो ये कर रहे थे कि इसे कत्ल कर दे कैसे कत्ल कर सकते वक्त का नबी है अल्लाह रबुलजत का महबूब है अल्लाह रबुल का पसंदीदा और चुना हुआ बंदा है तो अल्लाह रबत के फैसले के ऊपर कोई फैसला नहीं कर सकता अल्लाह रब के के उपर, की मशीयत के ऊपर अल्लाह की तकदीर के ऊपर कोई नहीं आ सकता तो अल्लाह रब ने ऐसी घड़ी में कि जब इनके सगे भाई एक ही बाप की औलाद इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और कुएं के अंदर फेंक रहे हैं तो अल्लाह रबुल्जत ने आपको संभाला अल्लाह रबुल्जत ने आपके ऊपर सकीनत नाजिल फरमाई वही नाजिल फरमाई और वही से ज्यादा सकीनत और क्या हो सकता वही से ज्यादा इतमान और सुकून और कहा पर है ऐसी घबराहट और बेचैनी कैसी होगी यूसुफ अली इस्लाम को कि ये भाई लोग मुझे मार रहे हैं जान से मार देना चाह रहे हैं कुएं के अंदर फेंक रहे हैं किस कदर घबराहट होगी और इस तरीके से फेंका कि रस्सी में बांध करके यूसुफ अली इस्लाम को कुएं के अंदर छोड़ रहे हैं और आधी रास्ते में जब रस्सी चले गई तब सिर्फ अपने कसी फरमाते हैं आधे रास्ते में जब रस्सी चले गई तो रस्सी को काट दिया और एकदम से रस्सी जब कटी है और यूसुफ अल इस्लाम पानी के अंदर डूब गए और डूबने के बाद एक डुबकी मारने के बाद जैसी बाहर आए और अक्सर देखेंगे आप कि कोई शख्स जब एकदम से कुएं के अंदर डूबता है या पानी के अंदर डूबता है तो अंदर जाकर के अंदर से पानी एकदम से उसको बाहर फेंकता है जो उसके अंदर गैस और हवा वगैरह होती है और और जैसी वो बाहर आए तो साइड में जो चट्टान थी उस चट्टान को पकड़ करके और वहां पर बैठ गए आप देखेंगे कुएं के किनारों में जगह हुआ करती है चट्टाने हुआ करती हैं जो नर्म चट्टान होती है वो गल के गिर जाती है और जो सख्त चट्टाने होती हैं वो वहां पर कुछ जगह बना लेती है कि जहां पर कोई खड़ा हो सकता है परिंदे घर बना लिया करते हैं कोई खड़े होने की जगह हो जाती है ऐसी जगह में आकर के यूसुफ इस्लाम छोटा सा मासूम बच्चा वहां पर आकर के खड़ा हो अल्ला गया अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहानुता हर किसी कमजोर के साथ है हर किसी मजलूम के साथ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गवर्नर को यमन के तरफ रवाना करते हुए क्या कहा था कि किसी मजलूम की आह से बचना क्योंकि जब मजलूम की आह निकलती है तो उसके और अल्लाह के दरमियान कोई चीज हायल नहीं होती तो अल्लाह रब्जत हर कमजोर के साथ है अल्लाह रबुजत ने वक्त के नबी है यूसुफ यूसुफ्लाम की तरफ वही नाजिल फरमाया तब हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि तू उन्हें उनकी ये उनके इस काम को जरूर बताएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत वही भेज रहा है कि उनके इस काम को तू जरूर बताएगा यानी तुम यहाँ पे हलाक होने वाले नहीं हो तुम बचने वाले हो और तुम्हें बचाएगा अल्लाह समानता और एक वक्त ऐसा लेकर के आएगा कि तुम उनको इसकी खबर दोगे जबकि वो नहीं समझते होंगे अब्बास रजिया फरमाते हैं कि आप उनको बताएंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया था जबकि उस वक्त ये आपको जानते पहचानते भी ना होंगे इस बात की अल्लाह सुबहान ने खबर दी वो आलम है अल्लाह वह ऐसी चालीस साल बाद जो वाक होने वाला है उसकी खबर वही के जरिए से अल्लाह पहुंचा दिया कि ए यूसुफ तुम हलाक होने वाले नहीं तुम ऐसे मकाम और मरतबे पहुंचाए दिए जाने वाले हो कि ये तुम्हारे सामने जलील होकर के आएंगे और तुम इनको बताओगे कि तुमने क्या किए थे यूसुफ इस बात को सुन करके यूसुफ अस्म को सुकून और इतमान आ गया इस वही को जान करके जो इलहम कह दे या वही कह दे जो वही आपकी तरफ आई उसको जान करके यूसुफ असलाम के ऊपर एक इत्मीनान और सुकून की कैफियत तारी हो ताला इसके बाद कल हम देखेंगे कि यूसुफ असलाम को किस तरीके से कुएं से निकाला गया और जब कुएं से निकल रहे थे तो ये दूर से खड़े होकर के देख रहे थे और फट से वहां पहुंच गए कि हमने भी इस बच्चे को देखे चलो इसको हम तुम लेकर के जाओगे तो इसके पैसे देना तो उनको बेच भी दिया लेकिन यूसुफ यूसफ अस््लाम ने वहाँ यह नहीं बताया कि ये मेरे भाई हैं क्यों नहीं बताया इन शी ये सारे राज की बात हम कल समझेंगे अल्लाह रब्बुल रबुल्जत से दुआ है कि खाली के मालिक जो कुछ भी हमने पढ़ा उस पर हमें मजीद ग़ौर फिक्र करने की तो तौफ़ी तरमा जो इबरें और नसीहतें थी उन उनबतों और नसीहतों को कबूल करने और उसके मुताबिक ज़िंदगी जीने की हमें तोफ़ी फरमा आमीन या यबुलमी असल महमदूला महमद